मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कून है। वो अपनी माँ के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे आया था। उसकी माँ यहाँ पे काम करती थी। वो अपनी माँ को वो एक लेटर देता है जो उसे स्कूल से मिला था। इसके बाद उनके दरमियान में कुछ बातें होती हैं और क्वीन की माँ अपने को वर्कर के साथ वापस काम पर चली जाती है। वहाँ क्वीन खड़ा था, वहाँ वो बुरा कह रहा था क्योंकि मॉम ने उस आदमी को टास्क दिया था क्योंकि वो एक टनल के अंदर जाए। यहाँ पर उस आदमी से वो कहता है कि हमें अपने डर की वजह से कुछ से बड़ा बुला नहीं कहना चाहिए। और क्वीन उस आदमी से कहता है कि टनल में जाने से डरते हो, तो वो उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन से कहता है कि अगर तुम्हें इतने बहादुर हो तो तुम चले जाना। और क्वीन आदमी से उस टॉर्च लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर एक अजीब सी सर्टी को टच करता है जैसे कोई रॉक हो, लेकिन वो टच करने पर क्वीन पर थोड़ी सी फायर गिरती है। और जैसे ही क्वीन ऊपर देखता है तो उसे वहां पर बहुत बड़ा ड्रैगन नजर आता है। ड्रैगन अपना स्लावर खिलाता है और डर कर उस से बाहर आ जाता है। उस पर एलर्जी हो गई थी उस लावा की वजह से जो ड्रैगन ने उसके ऊपर गिराया था। और क्वीन बाहर आकर अपने मॉम के साथ यहाँ के सभी लोगों को बताता है उस टनल के अंदर एक ड्रैगन है। और क्वीन की इस बात पर वो बिलीव कर लेती है, लेकिन बाकी सब लोग बिलीव नहीं करते हैं। वो लोग क्वीन की बात ना मानते हुए उस टनल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो ड्रैगन अपने मुंह से फायर निकालते हुए और उन आदमियों को मार देता है। अब वो फायर टनल से बाहर आने लगी थी जहाँ पर क्वीन और उसकी माँ थी। वो अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाता है। वो लिफ्ट की हेड पे जमीन की सरसर पे जाना चाहते थे, लेकिन ड्रैगन अपने विंग्स थोड़ों का यूज करते हुए ऊपर आ जाता है और उस लिफ्ट पर अटैक कर देता है जिस पर क्वीन और उसकी माँ थे। यहाँ उस ड्रैगन के अटैक से बच जाता है लेकिन उसकी माँ पर मर जाती है। लेकिन मूवी में हमें बताया जा रहा था कि ये टाइम 2010 का था जब ये ड्रैगन यहाँ से निकला था। और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में जगह जगह ऐसे ही ड्रैगन पाए गए थे और इन ड्रैगन्स ने 10 सालों के अंदर इस दुनिया में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पर होमो पॉपुलेशन भी खतरनाक कम हो गई थी। इसकी वजह से मूवी में काफी सालों के बाद टाइम गुजर जाता है। हम क्वीन को देखते हैं काफी बड़ा हो गया था और सरप्राइजली वो अभी तक उन ड्रैगन्स के अटैक से बचा हुआ था। और उसी के साथ वह लंदन में बहुत ही थोड़े लोग रह गए थे जो जिंदा थे। उन सभी लोगों का चीप था, उन्होंने जमीन के नीचे एक छोटा सा शहर बनाया हुआ था। वो ड्रैगन से छुप कर यहाँ पे रहते थे, वो मिलकर रहते थे, वो ड्रैगन का प्लान मारने का प्लान करते थे। जब उन्हें फूड लेने के लिए जाना होता था तभी वो यहाँ से निकल देते हैं। यहाँ क्वीन को पता चलता है उनका एक साथी एडिंग के डोमेन से बाहर जा रहा है और क्वीन उस आदमी को रोक रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई इस जगह से बाहर जाए, लेकिन ड्रैगन उसने मार दे। लेकिन एडिंग यहाँ से हर हाल में बाहर जाना चाहता था और इस एस्टिमेट में आया था, अपनी वाइफ और अपने बेटे को खो दिया था क्योंकि यहाँ पर फूड बहुत कम थी और वो यहाँ पर अपनी बाकी फैमिली को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो फूड लेने के लिए जा रहा था। लेकिन क्वीन उसे समझाता है कि जब तक क्रॉप्स तैयार नहीं हो जाते हम वहाँ से फूड नहीं ला सकते, हमें थोड़े ही फूड पर गुजारा करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एडी ने क्वीन के जी की की चुरा ली थी। वो कुछ खामोशी से उस डोमेन से बाहर निकल आया था। वो डोमेन अंडरग्राउंड बनाई हुई थी ताकि कोई भी ड्रैगन उस पर अटैक ना कर सकते। वो फील्ड में पहुंचते ही है कि सिक्योरिटी सिस्टम को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ड्रैगन आ गए हैं। और फील्ड के आने की वजह से फील्ड के साथ साथ डोमेन में भी अलार्म बजने लग जाता है जो कि अपने करीब डेंजर होने को सैंपल करते थे। कोई ड्रैगन से लगने के लिए टीम तैयार करता है और उसे पता चलता है कि एडी इस डोमेन से बाहर चला गया है। क्वीन के इससे गुस्सा आता है, वो लोग क्वीन के परमिशन के बगैर यहाँ से बाहर चले गया और उनको बचाना भी नहीं चाहता था क्योंकि क्वीन उनका लीडर था, इसीलिए उसका फर्ज था कि उन लोगों की जान बचाए। और वो इस काम के लिए फील्ड में चला जाता है और फील्ड में जाते ही फील्ड के चारों तरफ आग लगा देता है ताकि ड्रैगन उन्हें ना देख सके। हालांकि ये काम करने से उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी और उनका सारबल का सारा फूड खत्म हो सकता था, लेकिन फील्ड के अंदर एडी के साथ बाकी लोग जैसे ही अपने इर्द गिर्द आग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये आग ड्रैगन्स ने लगाई है। और यहाँ वो लोग समझ गए थे कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन तभी वहां पर क्वीन की एंट्री होती है जो उन्हें बचा कर अपने ट्रक में बिठा लेता है और अपने ट्रक से उन्हें डोमेन में लेकर जा ही रहा होता है। तभी एक बच्चा मर जाता है। डोमेन में आने पर क्वीन को भी उस बच्चे के मरने पर बहुत ज्यादा अफसोस था, लेकिन क्योंकि वो एडी का बेटा था और ये सब एडी की थी उससे गुस्सा भी आ रहा था। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उनके डोमेन के पास काफी सारी जीप आकर रुकते हैं। उनमें से एक जीप उसका काफले का लीडर वेंटर निकलता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि हमने तुम्हारे लीडर से मिलना है, इसलिए वहां पे क्वीन को बुलाया जाता है और वो आदमी बताता है हम ड्रैगन हंटर हैं, यानी हम ड्रैगन
ड्रैगन्स को मारते हैं और यही वो बताता है कि लास्ट टाइम ड्रैगन को हांट करते हुए हमारे बहुत सारे सिपाही मारे गए हैं और बहुत सारे वेपन्स भी खराब हो गए हैं और वो आदमी क्वीन से कहता है कि इसीलिए हम तुम्हारी डोमेन में पनाह लेना चाहते हैं ताकि हम अपने वेपन्स को ठीक करके दोबारा ड्रैगन से लड़ने के काबिल बन सके। वो अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए क्वीन को ड्रैगन का एक तीर दिखाता है और जो कि उसने ड्रैगन को हर्ट करने के बाद उसके मुंह से निकाला था। ये सब देखकर उसकी बातों पर यकीन आ जाता है और वो उन्हें अपने डोमेन में लेने की इजाजत दे देता है। यही इस ग्रुप में एक लड़की एलेक्स मिलती है जो कि इस ग्रुप में पायलट थी। उसके तुम ड्रैगन्स को कैसे हंट करते हो और वो लोग बताते हैं हम लोग हेलीकॉप्टर से जंप करके उन ड्रैगन्स को हंट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को लग रहा था यहाँ दोबारा ड्रैगन्स आ गए हैं, वो डोमेन के अलार्म बजा देते हैं। इस तरह सारे डोमेन के लोग अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर क्वीन के लोगों के साथ साथ वो दूसरे लोग भी ड्रैगन को मारने के लिए निकल गए थे। इस ग्रुप के तीन लोग भाई के जरिए यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर ड्रैगन्स आएंगे और वो लोग वहाँ पर एक रिडार टैग मशीन लगा देते हैं। वो रिडार जैसी मशीन तीन पार्ट्स में थी, उन्हें ये मशीन ऐसी पोजीशन में लगानी थी कि उन्हें मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया जा सके। जब तक वो मशीन सही तरीके से नहीं लगाई जा सकती थी तब तक वो अपने प्लान को पूरा नहीं कर सकते थे। इधर हम देखते हैं दो पार्ट्स का ठीक लगा देते हैं लेकिन ये बाइकर गिर जाता है और वो और दूसरी तरफ उस तीसरे आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और तभी उस मरे क्वीन पहुंचता है और वो उस मरे इंसान की पॉकेट टोकी के जरिए वेंसन से बात करता है और यहाँ पर वेंसन उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसने ये तीसरा रेडार कैसे कहाँ लगाना है और क्वीन वेंसन की इंस्ट्रक्शन की हेल्प से वो रेडार सही जगह पर लगा देता है जहाँ पर हम आसमान को एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने साथ एक आदमी से कह रही थी वो जंप कर दे ताकि वो ड्रैगन का चारा भरे और बाकी लोग उस ट्रैप में बंद कर सके। वो ऐसा ही करते हैं और एलेक्स के कहने के अकॉर्डिंग एक बंदा हेलीकॉप्टर से जंप करता है जिसे ड्रैगन खाने वाला होता है, वो अपना पैराशूट ऑन करके दूर चला जाता है और बाकी दो आदमी उसे ट्रैप में बंद करने की कोशिश करते हैं और ये काम कर भी लेते हैं और ड्रैगन ट्रैप तोड़कर पीछे की तरफ मुड़ता है और उन दोनों में से एक आदमी को खा लेता है और यहाँ हम दूसरा आदमी नीचे गिरने की वजह से मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंसन कंप्यूटर से ड्रैगन को देख रहा था और यहाँ वो क्वीन से कहता है तुम पहाड़ी से नीचे जो क्योंकि तुम्हारी तरफ ड्रैगन बढ़ रहा है और मुझे उस ड्रैगन को मारना है। उस आदमी के कहने के क्वीन वापस आ रहा था लेकिन जैसे जैसे क्वीन वापस आ रहा था वो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे था और यहाँ दूसरे ग्रुप का लीडर ड्रैगन को मार देता है। यहाँ क्वीन और उसके साथी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने ड्रैगन को मारा था लेकिन वेंसन बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसने अपने टीम के तीन मेंबर्स को खो दिया था। और यहाँ पर वेंसन क्वीन को अपने असल प्लान बताता है। वो बताता है कि हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस पूरी दुनिया में फीमेल और ड्रैगन है, यहाँ लंदन के अंदर सिर्फ एक मेल ड्रैगन है और अगर मेल ड्रैगन को मार दिया तो सारे ड्रैगन्स मर जाएंगे और कोई और ड्रैगन्स पैदा नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे प्लान बताने का मकसद ये था कि वो अपने लोगों को हमारे ग्रुप में शामिल कर दे लेकिन क्वीन इसकी बात नहीं मानता क्योंकि ऐसा करने से क्वीन के ग्रुप लोग मर सकते थे। वो इनकार सुनने के बाद खुद उन लोगों के पास जाता है और उनको ये बात कहते हुए समझाता है कि हमें उन ड्रैगन्स को मार दिया तो हम दोबारा आजादी से इस खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार सकेंगे, हमें किसी से डर कर या चुप कर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्वीन को ये वेंसन उन लोगों को भड़का रहा है क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में वेंसन कौन से ज्यादा ताकतवर था वो क्वीन को बहुत ज्यादा मारता है जिसकी वजह से वो अब बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। यहाँ वेंसन के साथी क्वीन के लिए बुरा लग रहा था इसीलिए वो क्वीन को उसकी बॉडी पर लगाने के लिए मेडिसिन देती है। अब मेन सीन दिखाया जाता है कि आखिर उनके डोमेन में वो मेन ड्रैगन आ ही गया था लेकिन इससे पहले कि वो उसे ड्रैगन को मार दे वो ड्रैगन उनके डोमेन को ही आग लगा देता है जिसकी वजह से हर तरफ लॉस हो जाता है। वेंसन बच्चों को बचाते हैं और क्वीन के साथ साथ वेंसन का भी बहुत साथ मारे जाते हैं। यहाँ वेंसन की जल्दी की वजह से बहुत से आदमी मारे गए थे इसीलिए वो सॉरी कहता है और क्वीन भी उसे सब लोगों की तरफ जाना चाहता था, वो नहीं चाहते वो जाए ड्रैगन दोबारा आए, इसलिए क्वीन वेंसन की मान लेता है और वो सब लोग मिलकर इस ड्रैगन से लड़ने का डिसाइड करते हैं। क्वीन अब अपनी डोमेन और अपने खास आदमी के हवाले कर देता है और उसे कहता है कि इस डोमेन और इस प्रोडक्शन तुम्हारे जिम्मे है और वो खुद वेंसन के साथ ड्रैगन को मारने के लिए चला जाता है जहाँ लंदन के मिड में
पहुंचने पर वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रैगन है और वो ड्रैगन एक दूसरे को ही मारकर खा रहे हैं। वो ये सभी देख रहे थे कि इतने में ही वहाँ पर मेल ड्रैगन की एंट्री होती है, जिसे देखकर सारे छोटे ड्रैगन डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये व्यंजन के लिए अच्छी थी क्योंकि उनको अपनी छोटे छोटे ड्रैगन को मारने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ी थी। अब उनका एक ही टारगेट था कि वो उस मेल ड्रैगन को मारे। और यहाँ मुश्किल ये थी कि वो इस ड्रैगन को के पास कैसे पहुंचे, उस ड्रैगन को अपने तक कैसे अट्रैक्ट करें। और ये मुश्किल को ही आसान कर देता है क्योंकि उसे लगन का बहुत अच्छे से पता था। वो व्यंजन को एक टावर पर लेके जाता है और खुद वहां से नीचे आ जाता है। यहाँ पर एलेक्स ड्रैगन का ट्रैप के तौर पर काम करती है और उसके सामने जंप कर देती है। वो ड्रैगन जैसे कि एलन को खाने के लिए मुंह खोलता है तो व्यंजन उसके मुंह में एक बॉम्ब डाल देता है, लेकिन वो बॉम्ब प्रॉपरली उसके मुंह के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो ज्यादा कुछ तो नहीं होता बल्कि गुस्सा आ जाता है। वो व्यंजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन व्यंजन उसे देखकर घबराता नहीं है बल्कि बहुत ही बहादुरी से अपनी एक्स लेकर उस पर मोर अनफॉर्चुनेट वो ड्रैगन ही उसे खा लेता है। अब ड्रैगन की नजर क्वीन पर पड़ती है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ क्वीन अपने आप को बचाने के लिए उसके मुंह के अंदर फाइनली बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे इस तरह वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। यहीं पर से सीन कट होता है, हमें कुछ माह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें लंदन में एक भी ड्रैगन नहीं रहा था और वो लोग सेफली इस खुले आसमान पर जिंदगी गुजार रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस दिन बच जाने वाले एलेक्स और क्वीन एक साथ उन्हें दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।